हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट आई है आसाम से मेरे पास, जो हमारी व्यूअर है उन्होंने कहा है कि जो रिलेशनशिप हम क्रिएट कराते हैं दो टेबल्स के बीच में, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है और ये कैसे करा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियोस पहले भी हमने बनाई हैं, थोड़ा सा एडवांस मोड में 2016 वर्जन पे, 2016 वर्जन पे इसे मैं बना रहा हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाए समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल हमने ली है और इस टेबल में ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नेम, प्राइस, यूनिट और टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा है। हालांकि टोटल यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो ये टोटल कैलकुलेट भी हम करेंगे अभी। पहले देख लेते हैं इसका फायदा क्या है। ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी है ना। अब इस ऑर्डर आईडी को जिसका नाम, जिस ऑर्डर का नाम पिज्जा है, जिसकी कॉस्ट जो है 150 रुपए है, 1 यूनिट ऑर्डर हुआ है, इसे किस कस्टमर ने ऑर्डर किया ये आपको देखना है। आप ये प्लस का बना हुआ साइन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए इन जो इनका नाम है, नाम तो यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन कस्टमर आईडी 1001 शो हो रही है। और कहाँ का ऑर्डर है ये, न्यू कॉलोनी का है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको समोसा वाला ऑर्डर देखना है कि समोसा किसने ऑर्डर किया है, तो यहाँ ये प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए और ये कस्टमर आईडी आ गई 1002 और ये राघव नगर से ऑर्डर हुआ है, ठीक है। ये फायदा होता है। अब इसको क्रिएट कैसे कराएंगे वो देख लेते हैं। यहां से चलते हैं न्यू पे, ठीक है, और यहां से ब्लैंक डेटाबेस मैं चूज करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ये कर दिया हमने। इसके बाद यहां से डिजाइन व्यू पे आ जाते हैं। इसे मैं नाम दे देता हूं TB1, ये नाम दे दिया TB1। यहां पे सबसे पहले मैं देता हूं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी दे दिया। यहां पे ऑर्डर नंबर आ रहा है, इसे हम रख सकते हैं नंबर भी, तो यहां नंबर रख लेते हैं, ठीक है। फिर यहां पे ऑर्डर नेम कर देता हूं, ऑर्डर नेम, ओके, और ये शॉर्ट टेक्स्ट रखा है हमने। और फिर यहाँ पर प्राइस कर देते हैं, प्राइस, तो इसे हम रखेंगे करेंसी डेटा टाइप, यहाँ से करेंसी रख लेते हैं, ये करेंसी हो गया, ओके। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिट रख सकते हैं, यूनिट, ये यूनिट कर लिया हमने। अच्छा, 2016 जो 2016 वर्जन है इसमें एक खासियत है, मैं बताता हूँ अभी आपको क्या खासियत है। यहाँ पर पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं डबल में, ये हो गया। अब यहां पर हमें इसका टोटल कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं टोटल, कितना रुपए टोटल हो गया वो यहां पे आएगा, ठीक है। और इसे नंबर डेटा टाइप रखूंगा और यहां से इसको बना लूंगा डबल ताकि डेसिमल वैल्यूज भी यहां आ सके, ठीक है, इसी वजह से यहां पे डबल कर लेता हूं। अब यहां पे देख सकते हैं ये जो नंबर हमने लिया है, इसके जगह हम कैलकुलेटेड फील्ड भी ले सकते हैं। यहां पे कैलकुलेटेड फील्ड पे जाएंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, किसको किसको हमें मल्टीप्लाई करना है ये देख लीजिए, ये प्राइस के साथ यूनिट को मल्टीप्लाई करना है बस। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस, लिखा हमने PRICE प्राइस इनटू यूनिट, बस इतना ही कर देना है आपको और बहुत ही आसानी के साथ आपका काम हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए, ये आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आप एंटर करेंगे यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज और यहाँ पे आ रही है, ये रिजल्ट टाइप आ रहा है डबल, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो डबल के फॉर्मेट में आएगा, डबल यानी डेसिमल के फॉर्मेट में, जो हमने डेसिमल इसे बनाया है, ठीक है। यहां से अब ओके प्रेस कीजिए, यहां पे ऑर्डर आईडी आ रही है, तो जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर आईडी 1 है, ओके, और ऑर्डर का नेम है पिज्जा, पिज्जा ही ले लेता हूं, और इसकी प्राइस है, एक पिज्जा जो है 150 रुपए का है, हमने दो ऑर्डर करे, तो यहाँ पे देखिए दो की कॉस्ट आ गई अपने आप, देख रहे हैं। फिर यहां पर आते हैं तो ये ऑर्डर आईडी 2 है, ठीक है, और इस बार हमने ऑर्डर किया है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। इसके बाद इसकी प्राइस है 240 रुपए, ठीक है, और 240 रुपए की एक प्लेट है 1, तो यहाँ पे हमने एक ही ऑर्डर किया है तो यहाँ 240 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक से ज्यादा रखते, जैसे 2 रखते या 3 रखते या कुछ और भी रख लेते, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 4 रख लेता मैं, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाती, ठीक है, ये 4 प्लेट की कॉस्ट है। अब इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ से ये सेव कर दिया हमने इसे। अब दूसरी टेबल, अब ये जो ऑर्डर करेंगे उस कस्टमर की डिटेल यहाँ पर आएगी, तो यहाँ से मैं टेबल डिजाइन पे ही चला जाता हूँ और यहाँ से कस्टमर आईडी कर लेता हूँ, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी कर दिया ऑर्डर आईडी,
अब ऑर्डर आईडी जो है ये भी होगा नंबर डेटा टाइप, ठीक है, और यहां पे कर देता हूं कस्टमर नेम। ओके ये कर दिया कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा और इसको इतना ही रखते हैं। यहां से ओके प्रेस करता हूं और इसे दे देता हूं नाम TB2। ओके ये TB2 कर दिया हमने, प्राइमरी की असाइन नहीं हुई, नो प्रॉब्लम। यहां से असाइन कर देते हैं, यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे और ये TB2 के नाम से इसे हमने सेव कर दिया। अब ये ऑर्डर आईडी की बात करेगा, तो जब भी ऑर्डर आईडी आएगी तो 1, ठीक है, और कस्टमर आईडी यहाँ पे, तो कस्टमर आईडी ऑर्डर आईडी से अलग होगी, तो यहाँ पे 110 है कस्टमर आईडी, ठीक है, और कस्टमर का नेम जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए राम है कस्टमर का नेम, ओके, और यहाँ पे 111 है, ओके, और यहाँ पर जो ऑर्डर आईडी है वो ऑर्डर आईडी 2 है, ठीक है, और यहाँ पे सरिता कर देता हूँ, सरिता, तो ये हमारी कस्टमर है, इसको भी अब सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, और रिलेशनशिप की बात करने वाले हैं तो ध्यान से समझते रहिएगा, इस वीडियो को देखते रहिएगा ध्यान से। तो अब ये ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद क्वेरी विजर्ड पे आ जाएंगे। ये क्वेरी विजर्ड कहाँ दिया होगा, ये दिया है, ठीक है, यहाँ पे जाकर के सिंपल क्वेरी विजर्ड, और यहाँ पर TB2 आ रहा है, हमको अभी TB1 में जाना है, तो ये सारी डिटेल्स हमें चाहिए ही चाहिए। इसके बाद हमें TB2 से जो डिटेल चाहिए वो यहाँ से आप पिक कर लें, जैसे हमें चाहिए कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, यही दो डिटेल हमें यहाँ से चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ से ओके प्रेस कीजिए और इन दोनों टेबल्स को यहाँ ऐड करवा देते हैं, तो ये ऐड करवा दिया हमने। अब यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करेंगे, रिलेशनशिप दो टेबल्स के ही बीच में मैं क्रिएट करा रहा हूँ, आप दो से अधिक टेबल के बीच में भी रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर आईडी दिख रही है आपको TB1 में, ये ऑर्डर आईडी, इसको उठाइए, ड्रैग कीजिए और यहाँ पर ले जाकर के रख दीजिए, रख दिया। अच्छा एक काम आपको और करना है, ये जो TB1 TB2 दिख रहा है इसको पहले क्लोज कर दीजिए, नहीं तो आपको ये रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कराने देगा। तो यहाँ से ऑर्डर आईडी को उठाइए और यहाँ पे ले जाके रख दीजिए, ये रख दिया, इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और ये इन तीनों को यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये ऐसे इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके इस फॉर्मेट में लाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से फाइल पे जाकर इसको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद अब जब यहाँ पर आप जाएंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई अगला कस्टमर है जिसकी ऑर्डर आईडी 3 है और उसने ऑर्डर ऑर्डर किया है, मान लीजिए पिज्जा ही ऑर्डर किया है, ये पिज्जा ले लिया हमने और 150 रुपये कॉस्ट है, ठीक है, चार पिज्जा ऑर्डर किए तो यहाँ पे टोटल आ गया, ठीक है, इसको सेव कर लिया हमने। अब इनकी जो कस्टमर आईडी होगी वो एंटर करनी है TB2 में, ठीक है, तो 112 ये कस्टमर आईडी है, ऑर्डर आईडी 3 है और इनका नाम है रीता, ओके ये डाल दिया। तो ये तीनों डिटेल्स, ये तीनों कस्टमर की डिटेल हमें एक साथ जब देखनी होंगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम चले जाएंगे यहाँ पे TB1 पे, ठीक है। आपको ये पता करना है कि ये 3 नंबर की ऑर्डर आईडी किस कस्टमर की है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और ये दिख जाएगा आपको कि ये किस कस्टमर की है, ठीक है, देख सकते हैं आप यही कस्टमर है, ठीक है, और टोटल तो यहाँ दिख ही रहा है आपको ऊपर में, 3 नंबर के कस्टमर आईडी की टोटल यहाँ पे शो हो रही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं, एक से अधिक भी करा सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ एक ही करा के दिखाया है, ओके, तो इसमें तो कहीं से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये 2016 वर्जन को लेकर था, इसके पहले जो वीडियोज मैं बनाता रहा वो उसमें मैंने कैलकुलेटेड फील्ड का यूज नहीं किया, क्योंकि वो 2007 था और यहाँ पे 2016 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।